वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल जो यूएसए का हस्टन में 23 तारीख से शुरू हुआ था, उसमें पहले ही दिन में इंडिया का तमाम खिलाड़ियों ने हार गया है। 4 मेन सिंगल और 4 वोमेन सिंगल खिलाड़ियों में से एक एक खिलाड़ी राउंड ऑफ 128 को क्लियर कर पाए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में अगर बात करें तो मेन सिंगल के लिए 57 जो राउंड ऑफ 128 में यूक्रेन का यारोस्लाव को 4-0 में 11-2, 11-9, 11-4 और 11-3 वन साइडेड मैच जीतते हुए राउंड ऑफ 64 में पहुंच गया। अभी राउंड 64 रसिया का वल्दिमीर के खिलाफ आज होने वाला है। नेक्स्ट खिलाड़ी है शरद कमल जो राउंड ऑफ 128 में बेल्जियम का सैटरिक के खिलाफ 1-4 में हार गया। पहले सेट 11-9 में जीत हासिल करने के बाद लगातार 4 सेट शरद कमल ने हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया। फिर मेन सिंगल का तीसरा खिलाड़ी अमन राज एंथोनी जो 128 में नाइजीरिया का बोर्ड के खिलाफ पहले 5 सेट में 3-2 में लीड बनाए हुए थे, लेकिन लास्ट दोनों सेट में 9-11 और 6-11 हारे और अल्टीमेटली 3-4 से हारते हुए टूर्नामेंट को पहले ही राउंड में खत्म किए। मेन सिंगल के लिए चौथा खिलाड़ी है हरमित देसाई जिनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। राउंड ऑफ 128 में जर्मनी का वेंडिक्ट के खिलाफ स्ट्रेट सेट में 0-4 में हार गया। लगातार 4 सेट हारते हुए टूर्नामेंट से पहले ही राउंड में हार गए और बाहर हो गए। फिर ओमेन सिंगल के लिए मनिका बत्रा राउंड ऑफ 128 में ब्राजील का ब्रूनो के खिलाफ पहले दोनों सेट जीत हासिल की, उसके बाद 3 सेट लगातार हार गई। फिर 6 नंबर सेट तो अपने नाम की, लेकिन फाइनल सेट हारते हुए 3-4 से हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फिर ओमेन सिंगल के लिए एकलौता खिलाड़ी जो जीत हासिल की है वो है ओहिखा मुखर्जी जो राउंड ऑफ 128 में इजिप्ट का फेरे के खिलाफ पहला सेट जीतने के बाद नेक्स्ट दोनों सेट हार गई, लेकिन उसके बाद लगातार 3 सेट अपने नाम करते हुए 4-2 से मैच जीती। अब राउंड ऑफ 64 में पहुंच गई है। अब ये राउंड 64 वाला मैच आज जापान का हिना के खिलाफ होने वाला है। फिर ओमेन सिंगल का तीसरा खिलाड़ी मधुरी कपटकर को भी हार का सामना करना पड़ा पहले राउंड में। जापान का साकी के खिलाफ 0-4 स्ट्रेट सेट में हार गई और टूर्नामेंट से पहले राउंड में बाहर हो गई। ओमेन सिंगल के लिए फाइनल खिलाड़ी सुतीर्था मुखर्जी जो फर्स्ट सेट जीतने के बाद लगातार 4 सेट हार गई और राउंड ऑफ 128 में कोरिया का चोई के खिलाफ 1-4 में हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फिर लास्ट में मिक्स डबल के लिए एक ही जोड़ी का हिस्सा लिया था शरद कमल और अर्चना ग्रीस का जोड़ी जो राउंड ऑफ 64 में अल्जीरिया का जोड़ी को 3-0 स्ट्रेट सेट में हारते हुए राउंड ऑफ 32 में पहुंच गया है। अब ये राउंड ऑफ 32 वाला मैच इजिप्शियन जोड़ी के खिलाफ होने वाला है। तो फर्स्ट दिन का प्रदर्शन इस बड़े इवेंट में इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा। अब सेकेंड डे में 2 सिंगल मैच के साथ साथ मेन्स डबल के लिए अमन राज और हरमित देसाई का जोड़ी राउंड ऑफ 64 में नाइजीरियन जोड़ी के सामने लड़ते हुए नजर आएंगे और वोमेन्स डबल के लिए मधुरिका और सुतीर्था मुखर्जी का जोड़ी सिंगापुर का जोड़ी के सामने राउंड ऑफ 64 वाला मैच खेलते हुए नजर आएंगे। तो पहला दिन का इस प्रदर्शन के बाद अब आगे हम बात करेंगे कि सेकेंड दिन का प्रदर्शन कैसे रहा।